बैठाओ तो सुमित बलवानी ऐड लिख देगा भाई, वो फेक आईडी से बैठा है भी भाई, तू मेन आईडी से आ जा। देखो, एक औरत को तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो चाचा। मतलब औरत की रिस्पेक्ट करो यार। मतलब ऐसे कैसे तुम सुनो किसी की भी बीबी पनोड़ी को भाई, कभी सुनो पनोड़ी भाई, यहाँ पे चार जनों में लाइव चल रही थी तो चारों को बुलाया जाएगा भाई, जो साथ में बंदे बैठे हैं। मैं तो बोल दूंगा भाई। हाँ देख, मैं तो बोल तो दूंगा, तुम बोल मैं देना, तो वही बोल बोल दूंगा रहा हूँ, और भाई। देखो कंट्रोल मत। चाचा, देखो मैं तो चाचा एक ही बात बोलूंगा। देखो मैं तो भाई महिला समाज से बहुत डरता हूँ। मैं तो साफ साफ बोल दूंगा, भौणजी भौणजी मेरे से तो गलती होगी। ये नरे चाचा बताओ। ही बोलता था, देख ले कितने डीएम में कॉल आते हैं भौणजी। फिर वो देखो बोलेगी, और लेकिन मेरे ये मुद्दे के अंदर तुम थोड़ी अपने सोच और बुझ को और तुम्हारी आंखों को खोल के अगर तुम सोचो, तो अभी जो पहले आधे घंटे की जो लाइव चली उसमें सारे जो फोन कॉल्स आए, मतलब के फोन कॉल्स आए, फोन कॉल्स गए, मतलब तुमने एक चीज देखी कि क्या? वो सारे ग्रुप के अंदर एक बंदा कॉमन था, मोहित चौधरी। हाँ, नहीं, कॉमन हाँ बंदा तो मैं नहीं था। नहीं, कॉमन बंदा तो मैं नहीं था, पर कॉमन बंदा एक ही बंदा था, डबास भाई। नहीं, मोहित चौधरी। चलो भाई, मैं तो बोल दूंगा भाई, मैं हाँ तो वाकई तारीफ करूंगा, वाकई तारीफ करूंगा। नारी बहुत अच्छी देखो, है ये। मैं अकेला बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, मोहित चौधरी को भी लेके देखो बनोड़ी भाई, जाऊंगा। देखो हर आदमी, मतलब देखो हर हर केस में एक मीडिएटर होता है, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि मतलब नारंग चाचा ने एक लड़की को प्रताड़ित किया है, एक लेडी को प्रताड़ित किया है, वहां मैं नरेश चाचा की गोंद उड़ाऊंगा, ठीक है। जहां मुझे लगेगा बलवानी ने पैसा खाया है, तो मैं वहां बलवानी की पैसे से गांठ तोड़वाऊंगा। मैं साफ साफ बोलूंगा भाई, बलवानी पैसे दे, ठीक। पर हाँ, जहां मेरी भाभी जी की बात आएगी, वहां मैं नरेश नारंग की गांठ तोड़वाऊंगा, गोड़। देखो बात ये है कि भाभी जी ने अब मतलब डरावनी नागिन का रूप धारण कर लिया है, ठीक अच्छा है। पनोड़ी भाई सुनो, वो तो चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, चलो झूठ मत बोलना। ये आपकी लाइफ की बात है ना, मतलब जब ये एंग्री भाई के लिए बोला था पप्पी लेने वाली बात, किसने बोली थी? चलो उसमें तो गवाह तुम भी हो ना, तुम्हारी तो लाइफ चल रही थी जब तुमने बोला ओ भेड़चोद। सच बात है ये, नरेश नारंग ने बोला था ये। तो चाचा भाई आप है ना, अपना वीजा वीजा करा लो, या तारीख पे आना पड़ेगा आपको। पनोड़ी भाई सच में, मतलब आधी जनता तो तुम्हारी ताक में आ जाएगी अगर तुम तारीख लगाने आए तो। लेकिन फिर तो बिग बॉस पकड़ाया। देखो, मतलब अगर मैं तारीख पे आया ना, तो सबसे पहले गुड़गावा की शेरनी दीदी सर पे कफन बांध के आएगी और फिर रील के पीछे कफन वफन गाना नहीं लगाएगी। आएगी, कफन वफन पहन के नहीं आएगी। मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे तुम कोर्ट में जाओगे ना गवाही देने के लिए, तब तो तुम्हारे साथ में एकदम से 50 मुकदमे आएंगे। भाई साहब, हेलो जज साहब, पहले मेरा मुकदमा सुनो। बोलो क्या, मेरी भौणचोद रखी है या नहीं? भाई साहब मेरा, मेरी बात सुनो भाई साहब। भाई साहब मेरी फैमिली को तो लतेड़ा ऐसे था। फिर लोग राते भर उधर वो अरमान मलिक आ जाएगा। भाई साहब मेरी मतलब दोनों बहुओं को इसने रंडी बनाने की कोशिश करी, तो पता जज क्या बोलेगा? भाई नारंग एक काम कर, तुझे तो मैं छोड़ता हूँ, आ जा भाई पनोड़ी, नहीं, इसको नहीं जरा भाई, जज पहले नहीं, ले। ऐसा नहीं बोलेगा। जज साहब जो है, जज साहब खुद सोच में पड़ जाएगा कि बेंचो एक काम करो, 24 घंटे की मतलब ये अदालत को कैंसिल करो, और जज हुक्म देगा कि इस भेणके लौड़े की सारी यूट्यूब वीडियो देखी जाए, कहीं ये माधरचोद ने मेरी बहुओं को तो गालियां नहीं दी है ना। जज सब पहले वो चेक कराएंगे कि पहले मेरी फैमिली को चेक कर लो कि कहीं ये भेणके लौड़े ने मेरी फैमिली को तो नहीं लतेड़ा है ना। एक मिनट, फिर पनौड़ी भाई मतलब वो तुम्हें तो, मतलब वो तुम जैसे इंडिया होगे तो वो गोल वाला चश्मा भी वो पूछेंगे जज साहब कि भाई वो तुम गोल वाला चश्मा लगा के आए हो क्या? और फिर तुम्हारी जांच राजू पड़ताल भाई के लिए मतलब, रिक्वेस्ट भेज दो। अरे यार हाँ राजू भाई भाई को यहाँ मत देखो, लो ये यार, राजू चश्मा भाई तो अभी भी सरकारी, मैं है, वो राजस्थान पुलिस में है भाई, ये वो भी चश्मा तो जिले मैंने से है अभी भाई। भी पहना हुआ है यार यार। ये पनोड़ी भाई चश्मा चाहिए, मैंने तुम्हें 36 बार बोल दिया यार। तो मैंने अभी भी पहना हुआ है, देखो ये। ये चश्मा चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल्डी भाई आने वाले हैं भाई, और राज भाई भी तो आए।
थे, मतलब ये राजभाई की जहाज जुड़ गया क्या आज? राजभाई कहाँ इंडिया आए थे? अरे राजभाई ने तो पूरी कोशिश करी है, कुत्तों को पेटियां खिलाई हैं और मतलब भूखों को मतलब खाना खिलाया कि कुछ ना कुछ करके वायरल हो जाऊं, इंडिया में आया हूं, पर वही बहन चो 20 लाइक बस। अरे क्या हाल है आदित्य भाई? बस भाई ठीक हूँ क्या यार, अमेरिका की हवा खा रहे हो यार, हमारे को याद कर लिया करो यार। अरे भाई। ये किसको ऐड किया है तुमने? भाई, ये पुलिस में है, ये मतलब जानकारी देंगे कि आगे अपने साथ क्या क्या होना है। ये राजस्थान अरे पुलिस में है। अच्छा अरे राजस्थान। आदित्य, भैया भाई देखो, अरे अभी आदित्य तुमने भाई लाइव देखी सुनो, होगी। आदित्य हाँ भाई सुनो, आपकी मुलाकात हुई थी मेरी डैनी, नहीं है क्या तुम्हारा? डैनी को जानते हो? हाँ 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 डैनी सबसे पहला पनौड़ी आर्मी का लौंडा था। बिल्कुल, जैसलमेर से। उससे हाँ एक बार कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी अपनी, एक बार, ओनली 5 मिनट, आपको याद होगा, आप तो शायद भूल गए होंगे, बहुत दिन पहले की बात है। नहीं नहीं अरे यार, मुझे भैया सच्ची में भैया याद। भैया भैया पुलिस वाले भैया, यहाँ डैनी की बात छोड़ो, यहाँ बैनी बनने वाला है नरेश चाचा का। नरेश चाचा ने एक लड़की को मतलब प्रताड़ित किया है और ये सुनो बोला सुनो, है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ आदित्य भाई से थोड़ा सा बातचीत करने के लिए आया हूँ, और आप अपनी बात करो। मेरे को कोई कोई मेरे से राय लेनी हो तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। भैया, राय तो लेनी है, मतलब मुझे ये बताओ, जैसे किसी आदित्य लेडीज के भाई ऊपर मतलब। हाँ सुनो सुनो आदित्य भाई, हाँ अरे भाई मैं अमेरिका आ रहा हूँ यार, अगले महीने, भाई कब आ रहे हो? अगले महीने, अगले महीने। मतलब कि अमेरिका में कहाँ आ रहे हो, मतलब कौन से स्टेट में आ रहे हो? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा वॉशिंगटन डीसी। मेरे यहाँ से यूं समझ लो कि 4-5 घंटे दूर है भैया। तो ठीक है, मैं तेरे से मिल के आऊंगा मेरे भाई, पक्का। मैं इसीलिए ऐड अरे हुआ था, यार नहीं मैं तो भाई, यार। अरे यार अरुण भैया, तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तुमने तो बोला अभी नारंग भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको सलाह दे दो, मतलब अब क्या करना चाहिए, कल इनके ऊपर कोर्ट केस होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट केस तो देखो चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं मैनेज कर लूंगा नारंग भाई को, तो डोंट वेरी। अरे ठीक है क्या ना? मैनेज करोगे, वो मतलब लेडीज को इसने बोल दिया कि तेरा नाजायज मर्दों से संबंध है, तू उससे पकड़ी गई, तू इससे पकड़ी गई, तो इसमें मतलब कौन सी धारा लगेगी, इसमें धारा तो बहुत सारी है, 3-4 धाराएं लगेगी इसमें, कौन और वो कौन सी भी क्या धाराएं है। हैं बताना। अब यार आपको मैं क्या लाइव पे बताऊं यार, क्यों चीज मेरे से खुलवा रहे हो आप? मैं ये चीजें अरे बता रहा भैया हूँ एक एक साथ, मिनट, तो सुनो मतलब सुनो ये मेरी बात मतलब चलो 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 1 सेकंड मुझे, मेरी बात सुन लो मोहित भाई, कि सुनो। मतलब अरे उसमें कोई, अरे एक नहीं, सेकंड देखो मुद्दे की बात ये है, 1 मिनट रुक जाओ। मुद्दे की बात ये है कि भाई ये जो अरुण भाई एक सीधा जवाब दे दो, वो लेडी के पास सारी रिकॉर्डिंग है, जिस तरह से ये बंदे ने वो लेडी को 400 लोगों के सामने बहुत गंदा गंदा बोला, अब वो रिकॉर्डिंग लेके कर वो पुलिस स्टेशन जाएगी तो इसका केस रजिस्टर हो जाएगा वो लेडी का? नहीं, बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा, ले बहनचोद। बात खत्म नरेश नारंग के। देखो नहीं होगा क्यों नहीं भाई, देखो और उस पे किस, मतलब कार्रवाई देखो जल्दी सुनो होगी। सुनो सुनो, मैं बताऊं, किसी के लिए अपन आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं ना, तो उसका मुकदमा दर्ज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो भी कड़ा। आजकल क्या बहुत सारे ऐसे रूल्स, नए नए रूल्स आ गए, जिनने हमारे जो अभी कभी राजस्थान के अंदर अभी जो विधानसभा में कई बिल ऐसे पास हुए हैं, जो अब आपको मैं क्या बताऊं, पूरी डिटेल भेजूंगा आदित्य भाई आपके पास, इनको बता नहीं देना नहीं एक बार। मैं तो ये सारी बकचोदियों में अब आता ही नहीं हूँ। मुझे तो पता ही है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेटों के अंदर ये सोशल मीडिया को अच्छा लेके एक सरकार बात ने। तो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पुलिस वाले भैया मेरी बात सुनो। अरुण भाई मतलब ये बताओ कि मतलब जैसे किसी लेडीज के नाजायज संबंध बनवाए जाते हैं, तो उसमें मतलब मेरे को ये भी सुनने में आया, नया रूल आया कि कम से कम 10 साल की सजा है। ज्यादा है, 10 साल की का ज्यादा है। ले बहन चो, चला गया चाचा तो बिग बॉस में, बोन चुदगी धंधे की। ले तो आदित्य भाई सुनो, बहन हाँ, जब मैं आऊं तो फिर कैसे संपर्क होगा अपना, ये बताओ आप, अपना तो कांटेक्ट मेरा कैसे होगा? नंबर ले लेना डैनी से, डैनी के पास मेरा नंबर है, सेल फोन नंबर है मेरा। हाँ अच्छा, डैनी के पास है क्या नंबर आपका? हाँ 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 आपकी जरूरत पड़ेगी मेरे को वहां पे। अरे हाँ भाई आ जाओ, जो बन पड़ेगा करेंगे यार। यार गुजराती भाई है तू, यार तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भाई हमने तो हमेशा बहुत सारे लोगों को सेट किया अमेरिका में, नहीं तुम भी आ जाओ भाई, देखो, तुम्हें भी ठिकाने पे लगा देंगे कहीं ना कहीं। अरे ये देखो तो पुलिस वाले भैया हैं, ये तो घूमने आ रहे होंगे ना ऐसे ही। नहीं आदित्य भाई, तेरी लाइव में पिछले 8-6 साल से देख रहा हूँ, 6 साल से, मगर मैं आज राइट तक कभी लाइव आया नहीं, आज आया हूँ मैं भी अपने नारंग भाई की वजह से। नारंग क्या, अपने राजस्थान से ही है बेचारा, इसकी लाइव की वजह से मैं नहीं। आपसे बात हुई है मेरी, और मेरे को अगले महीने आना, इसलिए मैं ऐड हो गया, मैं आपको सिर्फ आपसे बात करने के लिए बस।
हाँ भाई आ जाओ, और डैनी से मेरा नंबर ले लेना, आपको जो भी मतलब हेल्प चाहिएगी कर देंगे यार, उसमें क्या है। बस ठीक है ब्रदर, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है ना। हाँ पक्का पक्का। अपना एक वो भी है ना, क्या नाम उसका, अमेरिका में रहता है, क्या नाम वो पार्स, वो अपना हरियाणा का है, क्या नाम उसका, नाम भूल गया यार मैं। ये तोनो? ना 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 ना, अपना क्या नाम है उसका, लेकिन वो तो बहुत दूर रहता है यार, वो तो मतलब जंगलों में रहता है कहीं, जो मतलब अपना घर बर बना के वो जंगलों में ही पड़ा रहता है वो। नहीं नहीं वो अमेरिका लड़की से शादी करी है उसने। हाँ हाँ वो मतलब मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो, उसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि वो कोई भी अब कांटेक्ट में नहीं रहे। हाँ वो पंकज नरवाल, पंकज नरवाल। नहीं 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 यार, वो क्या पारस, पारस भारद्वाज, पारस भारद्वाज, पारस भारद्वाज। हाँ तो अभी वो सब लोग कांटेक्ट में नहीं है। देखो ये सब लोग मतलब हराम का फेम लूटने के लिए आए थे। चलो और फेम, सही बात है। चलो ठीक है आदित्य भाई, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपसे, है ना, ठीक है मेरे ब्रदर। हाँ हाँ पक्का पाओ भाई, कांटेक्ट करो, आपको जो भी चाहिएगा भाई कोशिश करेंगे आपको मुहैया करवाने की। ठीक है ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। चाचा तेरी आवाज कहाँ गई? आप आपस में ये बात कर रहे थे ना, मैं सुन रहा हूँ, आवाज कहाँ जाएगी मेरी, आवाज हमेशा इंस्टाग्राम। ये मयूर चाचा को भी ऐड कर लो, ये भी कोई मुद्दा लेके आए हैं नया कि आदित्य बालियान का किस्सा पता चला क्या, ये मयूर चाचा को मतलब मुद्दे पे आप मुद्दे आ रहे हैं नीचे नीचे। ये पता है मेरे को मयूर चाचा फोन कर रहे कि यार आदित्य, अरे यार नीचे है तो सही कि आदित्य बालियान ने मेरे 5,000 रुपए मार लिया आदित्य बालियान ने। भाई ये भी दिल्ली आ रहे हैं पनोड़ी भाई, इनके साथ ही जाना पड़ेगा अब। हेलो हेलो मयूर चाचा, ये चाचा का तो मतलब इतना गरीब है कि इसको नेट भी रिचार्ज नहीं करवा पाता। होटल का वाईफाई ले लो आगरा में अभी मयूर भाई। भाई देखो मैं सच बता रहा हूँ, वो जो देखो मुझे तो इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन मलाइका को भाई बहुत प्रॉब्लम हुई। हाँ। सच बता रहा हूँ मैं ये। हाँ। तो देखो अगर दादा तुम्हें प्रॉब्लम कल से होना शुरू होती है तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ बस। हाँ मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, पनोड़ी और मुझे गलती से भी कॉल मत कर दियो। आपको दिल्ली आना पड़ेगा, यहाँ पे गवाही देनी पड़ेगी पनोड़ी भाई। अरे ऐसा भी पनोड़ी भाई, ये इंसान ऐसा भी है कि मतलब तुम्हारा नाम दे देगा, देखो भाई कितनी कॉले करता था ये इंसान, बुलवाता था मुझसे भाई। पनोड़ी भाई 120 बीके मुजरिम तुम भी हो फिर। देखो मैं बी क्लास में हमेशा से बिलीव करता हूँ, तो मुझे 120 मत देना। मुझे तुम लोग है ना बार बार बी देना। बार बार बी नहीं मिलेगा वहां, तो मतलब आपको नीमका थाने, नीमका जेल जाना पड़ेगा, नीमका जेल। दिल्ली की जनता आपका स्वागत करेगी फूल बिछा के पनोड़ी भाई। मैं तो पनोड़ी भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर जैसे तुम इंडिया की जेल में चले गए पनोड़ी भाई, तो एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी मिलाई बहुत तकड़े तकड़े तरीके से होगी। कभी कोई आया करेगा क्या हुआ पनोड़ी क्या हुआ, मतलब तो सारी ये मतलब की लाइव देखेंगे पहले कि भाई तेने पहले किन किन को करा इस केस को। अरे चाचा मयूर चाचा को ऐड कर लेना, कहाँ गया ये भाई मयूर चाचा, रिक्वेस्ट भेजो है, नीचे दिख ही नहीं रहे भाई। यूट्यूब पे तो बहुत सारी लाइव मिलेंगी, तुम्हारी भी मोहित भाई बहुत सारी लाइव पनोड़ी भाई। अरे मेरा तो झांटने उखड़ने का, मैं बहनचोद मैं क्या करूं, मैंने तो बोल दूंगा साफ साफ भाई, मेरी बात सुनो कि भाई मेरे को तो जो बिगाड़ा है इंस्टाग्राम पे चौधरी साहब, ये देख लो, ये इस दिन से मैं लाइव आना चालू किया था पनोड़ी भाई के साथ में, और भाई ये आदमी ने मतलब इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, खुद कहता था अरे टेंशन मत ले मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ से मतलब गोल्डी बरार का फोन करा दूंगा, टेंशन मत ले मतलब मैं अमेरिका में बैठा हूँ। मोहित भाई बालियान का मैटर मालूम हुआ? अरे चाचा नहीं मालूम हुआ, क्या हुआ? रिक्वेस्ट भेज दो मयूर भाई, तुम्हारा मुझे भी सुनने में आया, मेरे को एक दो जनों ने बोला कि बालियान का मैटर पता चला, क्या कुछ बात हो गई है क्या बालियान के साथ में पनोड़ी भाई?
पता नहीं यार वो तो लाइव है भी कहाँ हटा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुनने में आई है उसने सुसाइड करने की कोशिश करी है, ये मयूर चाचा मुझे बता रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड करने की कोशिश भी करी होगी, क्योंकि वो उसके जितना बड़वा इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता। अरे भाई तू नीचे से चाचा, अरे मयूर चाचा तू ऐड हो जाना। लाइन कर रहे हैं वो यार, ऐड ही नहीं हो रहे। ये तुमसे डॉक्टर दलजीत कौर तुमसे मिलने आ रही है, मतलब अमेरिका पनौड़ी भाई। क्या हुआ? ये डॉक्टर दलजीत कौर तुमसे मिलने आ रही है अमेरिका? नहीं नहीं, दलजीत कौर मुझसे मिलने नहीं आ रही है। दलजीत कौर एक्चुअली उसकी फैमिली न्यूयॉर्क में रहती है। अच्छा अच्छा तो वो न्यूयॉर्क आती जाती रहती है। अच्छा अच्छा तो तुमने मतलब तुम तो कल इससे बोल रहे थे कि मतलब आना तो मतलब वीकेंड पे प्रोग्राम बनाएंगे और हम फ्लाइट से कहीं बाहर भी जाएंगे। हाँ तो वो तो हम लोग तो मिल ही चुके हैं ना, हम पहली बार थोड़ी मिल रहा है। अच्छा ये नारंग को मत बताओ, कल को शराब पी के फिर वही बोल देगा ये। नहीं नहीं, ये दलजीत कौर को कोई कुछ नहीं बोल सकता, गोल्डी चौधरी की जोन है ये। गोल्डी भाई गांड मार लेंगे, ये नरेश की कुछ बोला तो। चल भाई चाचा तेरी गांड में दम है तो बोल के दिखा दे अब। अरे वो नीचे मयूर चाचा लिख रहा, अबे टकले चाचा तू ऐड ही नहीं कर रहा, मैं कैसे डिक्लाइन करूंगा कुछ भी। अरे यार मैंने करा है, रिक्वेस्ट भेजो, मैंने उठाया उनको। मतलब ये मतलब अगर ये गोल्डी भाई की जान है तो मतलब ये तो हमारी भाभी लगी फिर। ले भाई एक भाभी और आ गई है, एक भाभी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, दूसरी भाभी आ गई। नहीं नहीं भाभी नहीं है, गोल्डी भाई और एक दूसरे को मतलब पिछले 10 सालों से जानते हैं। अच्छा अच्छा इन लोगों का कोई इंस्टाग्राम से कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। ओके अब देखना जैसे लाइव खत्म होगी ना, ये डीएम में जाके बलवानी के आगे रोएगा ये चाचा। हाँ ये बात तो फैक्ट है। मेरे को तो ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, मेरे से वो उसका ऑप्शन ही नहीं है कॉल करने। ये मतलब अभी है ना जाएगा डीएम में, डबास को कॉल करेगा, बोलेगा डबास भाई बचा लो यार, बहन चोर बकचोदी में ज्यादा ही कुछ हो गया, अब तुम्हारे दौरे है सब कुछ, भाई को बचा लो वरना इस उम्र में कहा मैं पुलिस के डंडे खाऊंगा। मेरी बात सुनो, डबास भाई दिल्ली में ही रहते हैं, मेरे को कोर्ट वोर्ट थाने में वही लेके जाएंगे साथ में। कोई नहीं जाएगा औरत के मामले में, कोई नहीं जाएगा औरत के मामले में, सब पल्ला झाड़ लेंगे। समझे नहीं, रिपोर्ट होएगी, केस होएगा, कोर्ट में तारीख लगेगी। यार मैं एक मिनट ये मयूर चाचा से फोन पे बात करके आता हूँ कि क्या हुआ उनका। बता रहे हैं कि बिलवानी इसकी बालियान की पिटाई हो गई। एक मिनट पनौड़ी भाई आप वीजा लगवा लो दिल्ली का, क्योंकि आप आपको आना पड़ेगा मेरे सपोर्ट में।
क्यों भाई चाचा तो उड़ते तीर अपने अंदर ले रहा है? मयूर भाई आवाज आ रही है क्या आपको? ये साला फर्जी आईडी अरे सब लोग लिख रहे कि ये फेक आईडी है मयूर की भाई। हाँ मैंने उतार दी नीचे, वो गए। पनोड़ी भाई आप है ना दिल्ली आ जाओ, मेरा कल फिर कोई मामला रहेगा तो मेरे सपोर्ट में रहना आप। देखो मैं आज तक किसी के सपोर्ट में नहीं रहा। मैंने हमेशा यही सोचा कि बहन जो गांठ तुड़ाई हो ना उसमें ही मजे आने चाहिए। हाँ तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा यहाँ पनोड़ी भाई। अब भाई तुमने अकेले ही गांड पंगे लिए है हराम का फेम लूटने के लिए, तो भाई अब भाई तुम्हारी गांठ उठाई होगी ना भाई। पनोड़ी भाई मेरी बात सुनो भाई, ये जो ऐड हुआ ना अभी भाई, इस बहन के लोड़े ने माई चोद रखी है सब धंधे की। मतलब किसी का भी मुद्दा होता है भोसड़ी का, तुरंत नाम चेंज करता है, बहन का आ जाता है। थोड़े ने मतलब भोसड़ी का मतलब बात भी ऐसे बोलता है कि जैसे वो मयूर चाचा ही हो भाई। सही बता रहा हूँ, भोसड़ी वाले को मैं ना मतलब ब्लॉक मारने वाला हूँ मादर चोद को। भोसड़ी के तू ब्लॉक मत, तेरी माँ की चोद तेरी ब्लॉक कर दो मादर चोद को। अरे पनोड़ी भाई तुम एक मतलब शब्द लो और उसी की आईडी बना के आ जाएगा। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा था? फोटो कल ये चाचा मतलब फोटो तो सब ले लेता, एक मिनट में आईडी बन जाती है। अभी आप किसी का नाम लो, बलवानी की आईडी बना के आ जाएगा भाई। बलवानी की आईडी बना के आ जा, ऐड कर लेंगे भाई। देख चाचा अब तेरा टाइम आ गया है इस मतलब इंस्टाग्राम को अलविदा कहने का। पर चाचा एक बात तो मैं मानता हूँ भाई, पनोड़ी भाई अगर ये चाचा जेल गया ना तो चाचा के घर वाले बड़े खुश होंगे। क्या हुआ इसमें पनोड़ी भाई, इसमें भी टैलेंट होना चाहिए। क्या हुआ बताओ? अरे वो फेक आईडी थी मयूर चाचा की, मैंने मयूर चाचा को ये कॉल लगाया। मैं की आईडी है मयूर भाई की। अरे मैंने मयूर चाचा नारंग, को नारंग तुमसे एक तो बहुत ही जेन्युइनली सवाल और बहुत ही मतलब एक उम्दा सवाल पूछता हूँ मैं तुम्हें जी। जो है ना वो सच बताना। हाँ। ठीक है, तुम झूठ बोलेगे तो मोहित तो तुम्हारी फैमिली से मिला हुआ है, तुम पकड़े जाओगे। हाँ। मतलब ये सारी चीजें तुम करते हो। हाँ। तो तुम्हारे मतलब चलो बीबी का तो तुम शायद नहीं सुनते होगे, बिकॉज के वो तो तुम्हारी हम सफर है। हो सकता है कि भाई तुम उसको ऊंची आवाज करके ऐसा बोल देते होगे कि भाई तू चुप है, तुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों ने ऐसे तुम्हें कुछ की बोला नहीं, तुम्हारे बेटे ने या तो तुम्हारी बेटी ने कि पापा तुम ये मतलब क्या कर रहे हो, इतना गंदा कैसे तुम बोल सकते हो? मतलब तुम्हारे बेटे बेटी ने कभी कुछ बोला नहीं तुम्हें? नहीं, मेरे वो लाइव वाइव तो देखते हैं, उनको ज्यादा पता भी नहीं है भाई। ये मोहित बात सच है ये? अरे यार छोड़ो यार, क्या यार छोड़ो। ये चाचा ने ना बहन जो रिश्तेदारों की भी गांड मार रखी है, रिश्तेदार भी फोन करके कहते हैं अरे नारंग क्या हो गया भाई तुझे नरेश? तो बोलता है सबको एक ही बात बोलता है, रुको यार एक साल के बाद ये अगले बिग बॉस में आने वाला हूँ। तो वो भी सोचते हैं कि भाई हमारा भी नाम रोशन होगा। अब रिश्तेदारों को भी कल पता चलेगा कि अच्छा ये बिग बॉस की बात कर रहा था, मतलब के जेल वाला बिग बॉस। गलत बात है ये नारंग, मत करो भाई। देखो
अगर करना कुछ है तो बड़ा करो यार, मतलब के छोटा करने से फालतू में अब तुम जेल में जाओगे। इसे तो अच्छा यही था कि भाई तुमने वो वड़ा पाव को तुमने चमेट मार दिए होते, भाई एटलीस्ट तुम 2 दिन के लिए जेल जाते, लेकिन तुम्हारा नाम हो जाता पूरे सोशल मीडिया पे, बेंच और मतलब यूट्यूबर से लेके सब लोग मतलब के तुम्हारे बारे में बेंच और रील्स बनती के एक 55 साल के बूढ़े ने मारा 2 चमाटा वड़ा पाव गल को, मतलब कितना मजा आ जाता। सब जगह पे न्यूज में भी मतलब आज का दरिंदा देखो 55 साल का बूढ़ा, मतलब बेंच और जिंदगी में तुम्हारे है ना यू समझ लो 6-7 दिन के लिए तो नरेश नारंगी छाया रहता है सोशल मीडिया पे। और पनोड़ी भाई यूट्यूब पे जैसे बलवानी की पुरानी लाइवें पड़ी हैं, वो थाने वाले उसकी लाइवें भी तो देखेंगे जैसे वो कार चलाते हुए दारू पी के। नहीं देखो उसमें क्या है कि तुम्हारी मिस्टेक ये हुई नारंग कि तुम बलवानी को चाहे जितनी भी गालियां देते ना तो पुलिस डोंट माइंड, लेकिन तुमने एक औरत को सोशल मीडिया पे गालियां दी, उसने तुमने उसको रंडी बोला, तुमने बोला कि भाई नहीं बोला मैंने भाभी भाभी करके बात करा है, मैंने तुमने भाभी भाभी करके मतलब सुनो तुमने भाभी भाभी करके भाभी का पूरा घाघरा ऊपर कर दिया। पहले मोहित भाई ने यूं बोला भाई ये बात सुना है मैंने, ये बोला है इनके इनकी भी भाई ये तो यूट्यूब भाई कोई बात नहीं, वो तो यूट्यूब पे पड़ी है, वो तो यूट्यूब पे पड़ी है। हाँ भाई मोहित चौधरी की आवाज भी तो आएगी इसमें भाई, उसमें तो चलो मेरी तो आवाज आएगी कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा जस साहब देखो ये बोलते हैं पुराने इतिहास में, मतलब तुम भी बोलोगे कि इतिहास में ये लिखा है तो मैं तो बोल दूंगा यूट्यूब मतलब ये पनोड़ी भाई और इनकी लाइफ के इतिहास में ये लिखा है कि मतलब ये नरेश चाचा ने ऐसे बोला था। अब बस देखो, अब देखो एक कमेंट आया रात रंगीन करनी है आ जाओ हेल्प करूंगी मुट्ठी मारनी है तो इंसान है ये भी तो जी रहे हैं इनकी जिंदगी बताओ। देखो ये लेकिन ये तो अपनी वो तो चलो वो जो भी करती होगी औरत वो तो अपनी मर्जी से पैसा कमाने के लिए करती है ना, वो थोड़ी ना कंप्लेंट करने के लिए जा रही है किसी की। तुमने तो भाई ये बलवानी की बहू को गाली दी, इतना गंदा गंदा बोला, कल वो कंप्लेंट करेगी। गाली नहीं दी उसको, पूरी यूट्यूब पे लाइव पड़ी है मैंने। अरे गाली का लेकिन तुमने ये तो बोला ना, तुमने ये बोला के तेरे एंग्री के साथ नाजायज संबंध रह चुके हैं, तेरे सुमित नारंग के साथ नाजायज संबंध रह चुके हैं, मतलब ये गाली से कम है के? मतलब एक शादीशुदा औरत को तुम दो दो मर्दों के साथ उनके नाजायज रिश्ता बताते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि औरत रंडी है। तो वो तो देखो मोहित चौधरी लाया मैटर कहीं से के भाई ऐसे बोला था ऐसे बोला था, हमने तो उस बात को फॉलो करा जवाब दिया मीडिया के सामने। अरे चाचा जब तू जब जाएगा तो मुझे अरे चाचा थोड़ी दिए हमारी लाइफ पे पहली बार आज मैं चाचा तुझे आज एक बात अरे चाचा सुन मेरी बात सुन अरे चाचा अरे बलवानी को ऐड कर, ये बलवानी ऐड कर जरा सुनो, ये वो आईडी बना के आया होगा वो जो नए वाला आता है। अरे नहीं नहीं वो नीचे ही है अभी बलवानी नीचे ऐड लिख जरा बलवानी, एक मिनट बलवानी की आईडी पे ब्लू टिक लगा हुआ है। अरे ये कमेंट तो करे मतलब अरे बलवानी कमेंट कर देखो बलवानी भी टाइम पे खेल गया कि बलवानी ने बेंच हो देना टाइम पे ही मतलब उसकी बीबी को फोन दे दिया और उसने मतलब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, मतलब बलवानी सोच के ही आया था कि आज मैं ये चाचा को है ना पक्का फंसा के रहूंगा। तुम चाहे जितना पे गोंड पे जोर लगा लो अब वो बंदा लाइव पे नहीं आएगा, पता है क्यों? वो अभी इसलिए नहीं वो अभी इसलिए नहीं आएगा कि भाई उसने अब अपने स्टेटमेंट कुछ देने ही नहीं है।
उसको मतलब उसकी बातों में उसको फंसना ही नहीं है। अब देख अब वो कल क्या करेगा, वो सुमित को कॉल करेगा, वो डबास को कॉल करेगा, वो एंग्री को कॉल करेगा पुलिस स्टेशन में जाके, इन सब लोगों के ये फोन पे स्टेटमेंट दिलाएगा कि भाई पूछ लो इन सब से, ठीक है। और उसके साथ तुम्हारी ये मतलब तुमने सुमित नारंग का नाम लिया, तुमने एंग्री का नाम लिया, और देखो एंग्री को तो तुम कल गालियां दे रहे थे कल परसों, तो एंग्री भी अब तुम्हारे खिलाफ होके स्टेटमेंट दे देगा। तो अब तुम्हारी बाजी है ना चाचा, सब जगह से अब खराब हो चुकी है। देख चाचा, अब तू एक काम ही कर सकता है, बस भोलू गुज्जर से कल कांटेक्ट कर और सीधा सीधा बोल भोलू भाई, मतलब मैं निमको थाने में जाने वाला हूँ, वहां वो मतलब वो भी तो है ना जेलर, वो इंस्टाग्राम पे जो मतलब बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम है उसका, दीपक जेलर। हाँ दीपक जेलर। चाचा देख तू उसको जाके सीधा सीधा बोलियो, देख भाई दीपक जेलर साहब, मैं भी एक इंस्टा पे बहुत मशहूर हूँ, मैंने भी बहुत लाते मतलब बहुत मतलब गालियां खाई हैं और बहुत गालियां बकी हैं, मतलब ये देख ले मैं इंस्टा के चक्कर में जेल में आया हूँ, थोड़ा रहम दे। तो मतलब वो तुझे मतलब बैरिक में नहीं लुटाएगा, वो तुझे वहां लुटा देगा मतलब हॉस्पिटल में। थाना कौन सा लगेगा? थाना तो मतलब जोन सा ये मुकदमा करेगा जहां से भी, तो जहां से लाइव चल रही है ना होस्ट है वहां से थाना लगेगा? नहीं नहीं, तुम्हारा थाना नहीं लगेगा चाचा, जहां से कंप्लेंट होगी। अरे वहां से तो उनकी होगी, यहां से हमारी होगी। अरे नहीं नहीं, तुम कैसे कंप्लेंट कर दोगे, तुम्हारे तो वकील तुम्हें लेके आना पड़ेगा ना भाई। आएंगे ना, यहाँ भी तो आएंगे लेने के लिए भी तो आएंगे। अरे भाई वो तो पुलिस अपना आप लेके आ जाएगी चाचा। चाचा ये आयान आ गया, आयान आ गया चाचा, ऐड कर आयान, आयान को ऐड कर चाचा। ये आयान पनौड़ी भाई, जिसके मतलब ये बीबी के लिए बोल रहा था ना आयान मलिक, ये आ गया भाई। ये वो आयान थोड़ी है, ये तो आपका दोस्त है आयान। अरे चाचा ये वही आयान है, तूने अभी एक दिन लाइव पे भी बोला था परसों। ये देखो ऐड करो आरान को। अरे यार चाचा, अरे यार बलवानी आ गया, सुनो बलवानी को ऐड करेंगे ना यार तुम। नहीं नहीं बल चाचा को तुम अब चाहे जो भी कर लो भाई, वो बंदा अब नहीं रुकेगा। अरे यार पनवाड़ी भाई ये मतलब कुछ बोलने आया, ये लड़का मुद्दा खोलेगा, ये अब अयान मलिक को देखो ये ऐड नहीं करेगा चाचा। पनवाड़ी भाई तुम अपनी लाइफ चलाओ। कौन? अरे नहीं नहीं यार, अरे ऐड कर ले वो चाचा। अरे तो रिक्वेस्ट भेज दो भैया मेरे पास। अरे अयान भाई रिक्वेस्ट भेजो। देखो एक जगह तो ये फंस गया अभी चाचा। कि भाई अब ये आयान आके बोल देगा कि मतलब आयान को ऐड करो। डिक्लाइन कर रहा है वो। अरे एक मुंह डिक्लाइन कर रहा है, सुमित बलवानी आ गया है भाई, ये सुमित बलवानी आ गया है देखो। हाँ भाई तुम कल केस कर दियो सुमित बलवानी, क्योंकि तुम्हारे पास अब तगड़ा मुद्दा है और हम सब लोग तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अगर कल तुम मुझे ये पुलिस स्टेशन में से कॉल करोगे और मेरा स्टेटमेंट लोगे, तो मैं भी यही बोलूंगा कि हाँ ये बात सच है कि नरेश नारंग ने 400 लोगों के सामने इसकी बीवी को बहुत गंदा बोला था। अरे ये पनौड़ी भाई ये आयान को ऐड नहीं कर रहा, देख लो अब। अरे यार भगवान कसम, मैंने रिक्वेस्ट से उठाया वो आया ही नहीं, मैं क्या करूं भाई। छह आईडी बट गई है, ये महाकाल ग्रुप इंस्टाग्राम की भी आईडी है, ये खेला खत्म वाली भी आईडी है, आइडिया चिमट गई है भाई। दोबारा लाइव चला चाचा, दोबारा लाइव चला। आए आयान भाई दोबारा आना एक मिनट। हाँ करवाता हूँ, करवाता हूँ, करवाता हूँ, एक मिनट।